सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस क्या चल, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो आज संडे था तो मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाते हैं और आपको भी दिखा दें कि संडे को क्या काम करना है क्या नहीं। तो अभी सुबह सुबह मैं नमाज पढ़ कर बाहर को निकला था, तो मैंने कहा चलो आपको सुबह का भी दिखाते हैं, क्योंकि सर्दियों का थोड़ा थोड़ा मौसम शुरू हो चुका है और धुंध और छपनम जो है वो पड़ने लग पड़ी है, तो इसलिए दिखा के आपको। और सूरज भी अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ये देखिए सूरज भी तकरीबन निकल चुका है और धुंध भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं कि अपने मोहल्ले से बाहर निकल के किस तरह का व्यू आता है हमारा। तो ये सारी सब्जा, अभी तो ये चावल की फसल है, काश्त की हुई है। और ये हमारा मोहल्ला इधर से गेहूँ, तो मैंने कहा चलो दोस्तों को भी दिखाते हैं और बाहर निकलते हैं थोड़ा सा सैर सैर करके आते हैं। तो अभी टाइम लग गया, वैसे तो कॉलेज की तैयारी करना शुरू कर देते थे अभी तक तो, लेकिन आज संडे है चूँकि फ्री है, तो मैंने कहा चलो बाहर जाके तो दिखाते हैं आपको भी। तो इसी तरह आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो से बात हो सकें। तो देखें वीडियो, एंजॉय करें, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। मैं अभी गांव से थोड़ी सी दूर आया हूँ, मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला होगा गांव से मेरा, मतलब अपने घर से। तो अभी थोड़ी सी दूर ही आया हूँ, तो ये देखें इधर मैं आपको दिखाता हूँ हमारे एक इधर है नाला। तो बाकी मैं बात आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप वो देखें, ये चेक करें। ये जो बाउंड्री है ना, ये वाली ये तो चार है, इसके पीछे वाली जिसके ऊपर दरख्त है, ये जो है ना नाला है। और जब भी बारिश होती है ना, जब भी बारिश हो तो इधर पानी बैलियों का, गाँव का, सब का वो पीछे से इकट्ठा होकर इसके अंदर आता है और इधर से फिर हमारे गाँव में चला जाता है। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घरों की तरफ नहीं आता, वो दूर दूर से होके चला जाता है। और आज से तकरीबन 4-5 साल पहले आया था, तब बहुत ज़्यादा पानी आया था, बहुत ज़्यादा। हमारे किधर कलोनी है वो भी जो है ना तह तबाह हो गई थी सारी, तो तब हमारे गांव की तरफ भी आया था, लेकिन तब भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में नहीं था आया, बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे मोहल्ले के तकरीबन घरों के अंदर आ चुका था। तो इस बार तो थोड़ी सी बारिश था, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इस साइड पे नहीं आया, दूर दूर से ही होके चला गया। तो आपको दिखाते हैं, आप वापस चलते हैं, वो तो हो गया। और एक दफ़ा आपको साइड का व्यू भी दिखाता हूँ मैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है हमारे गाँव का, गर्ल्स का ये, और बॉयज़ का जो है वो गाँव के अंदर है। तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखें, अभी तो मैं आज कहूँ घर और किया है नाश्ता, लेकिन उससे पहले मैं अभी नहा धोने से पहले, फ्रेश होने से पहले मैंने सोचा कि अपनी बाइक को धोते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा गंदी हुई है। कॉलेज जाते वक्त रास्ता बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से बाइक इंतहाई
तीन गंदी हो चुकी है, तो उसको धोते हैं, फिर खुद नहाते हैं और फिर आपको मिलते हैं वीडियो। फाइनली गाड़ी अपनी धो ली है, धुल चुकी है। हियर इज़ माई Q2, यह है मेरी गाड़ी जो कि मैंने धो ली है, अब साफ हो गई है और अब खुद नहाते हैं। अपनी भी शक्ल उससे भी गंदी हुई है, अब वो धोते हैं और नहाते हैं, फिर आपको मिलते हैं नहाने के बाद। गाइस अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, तो कर लिया है नाश्ता और मैंने अभी भी बाइक धोई थी और बाबा उसको ले गए हैं जफरवाल, और वापसी आपके आते ही आपको दिखाऊंगा कि उसकी क्या हालत हो गई है, क्या कैसे वो गंदी फिर से किस हालत में आ गई, अपनी असली हालत में जैसे आई थी पहले, और अब तो वैसे ही बारिश हुई हुई है तो पता नहीं क्या बनता है, देखते हैं आती है तो फिर आपको दिखाते हैं। हाय गाइस, बाबा अभी लेके आए थे बाइक, तो अभी मैं आया हूँ फोटोग्राफी करने दोस्तों के साथ। तो अभी फोटोग्राफी करने आए थे तो चलते हैं। अभी हमारी ये ना हमारे गांव में, मतलब हमारे गांव से थोड़ी दूर टाउन में ना स्टेडियम है, तो उधर आए थे फोटोग्राफी करने, तो चलते हैं वापस। तो आज का ब्लॉग किधर ही ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।